पार्ट बाय पार्ट है, सब कुछ मिला के वेयर डू आई स्टार्ट। द मेन मोटो ऑफ द ग्रुप इज टू हेल्प ईच अदर, नो विशेस, नो रबिश। अ लॉट ऑफ यू ऑन इंस्टाग्राम आस्क मी कि अकेला जो ट्रैवल करते हो फीलिंग कैसा है, इज इट फन, इज इट लिबरेटिंग, व्हाट इज इट लाइक। सुबह के 6:06 बज गए हैं एंड माय कैब इज कमिंग। न्यूज़ आया है कि मेरा बाइक पहुंचने वाला है शोरूम इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स, सो जस्ट हेडिंग देयर टू रिसीव द बाइक, बिकॉज वो बाइक को अनलोड करने के लिए दे वोंट बी एबल टू डू इट, सो आई एम गोना बी डूइंग इट एंड दैट्स द प्लान नाउ। माय कैब इज हियर, लगते हैं। पहुंच गए। ओए होए होए, पहुंच गया भाई, जबरदस्त। इट्स फाइनली हियर। बहुत लेट हो गया आपको, तो बहुत लंबा जाम होता है क्या? हाँ, बहुत लंबा, बहुत लंबा। और भी तेल निकला ना, तेल, बाप रे, तेल और भी निकल रहा है। कितना तेल, कितना तेल। इधर नहीं उतरना है ना, पीछे गार्ड वो सपोज टू बी हियर, गार्ड दिख नहीं रहा मुझे कहाँ पर है। I have got in. गार्ड को उठा के मैंने बाइक चेक इन तो कर दी, बट शोरूम ओपन होने में काफी टाइम था, तो करीब 10:30 बजे मेरी एंग्जाइटी और मैं वापस आए सर्विस एडवाइजर से मिलने। अभी एक जैसे गाय कॉल सिद्धार्थ, उससे मैं बात करने वाला हूँ। The beautiful Harley का कोलकाता शोरूम। हेलो सर। राम निखिल है बारे में। हेलो, नाइस टू मीट यू। एंड सिद्धार्थ, आपको मिलना था मुझे। सिद्धार्थ अंदर है? जी अंदर। सिड को पहले ही फोन पे मेरे सिचुएशन की सिनॉप्सिस शेयर कर दी थी, बट द प्रॉब्लम वाज ही कुडंट स्टार्ट वर्किंग ऑन द फैटी अंटिल आई फाउंड द न्यू ऑयल सम। द बाइक इज हियर। सो इफ यू सीन माय लास्ट वीडियो, यूड नो दैट ऑन चेकिंग इन द सेंट्रल डेटाबेस ऑफ हार्ली, 3 dealerships इन इंडिया हैड द पार्ट अवेलेबल, बट शॉकिंग ट्विस्ट, इट सेड ऑनलाइन की अवेलेबल है, कॉल करने के बाद उनको बोलते हैं कि जस्ट सोल्ड आउट। सो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन इज दैट द डीलरशिप्स अवॉइड सेलिंग ओवर द काउंटर बिकॉज दे लूज लेबर रेवेन्यू एंड और दे प्रेफर दैट टू लोकल कस्टमर्स ओवर आउट स्टेशन वंस। व्हाटएवर इट वाज, टू मी इट वाज इनक्रेडिबली हार्टब्रेकिंग टू हियर, क्योंकि अगर मुझसे कोई हेल्प मांगता मैं तो कर देता, पर वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात। सो लाइक द लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल, अ हॉग ब्रदर केम टू द रेस्क्यू। Metro man, how you doing? All good, all finally. Good. Tell me. Nice yes. to see you in flesh for the first time. Yes. Awesome. So this man I'm sitting with right now, he is the reason I am going to go back to Mumbai eventually. There's a group called H3 which I was very recently introduced to, and actually I didn't know it existed. That group में जो भी हार्ली के जो बंदे हैं या राइडर्स हैं या टेक्नीशियंस हैं और वेंडर्स हैं, सब है। एंड व्हेनेवर देयर इज एन इशू और देयर इज अ बाइक का इशू और व्हाटएवर, यू जस्ट हैव टू पोस्ट इन द ग्रुप कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे ज़रूरत है, एंड इमीडिएटली समबडी रिस्पॉन्स। लिटरली ये मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं बोल रहा हूँ, एंड आपको सोल्यूशन मिल जाता है। मैंने क्या गलती किया था, मैंने ये इंसिडेंट होने के बाद जो आपने देखा अभी, मैंने आई वेटेड फॉर 3 days, 2 days, देन आई पोस्टेड, बिकॉज मुझे लगा कि हार्ली सपोर्ट करेगा, बट हार्ली as usual man, like some other trip only they are on, so I don't know, but I'm so glad I met this guy. And now we have around 870 members in that, all are Harley owners and technicians. Okay, so anyone having any issue regarding their Harley, just post over there, anyone is will be, you know, having the solution for that issues. The main motto of that group is to help each other. We don't do any talk, no wishes, no rubbish things. Okay, it is only technical support and help. So the name is Harley Helping Hand, H3. Okay, if you are a Harley rider, you can connect with Nikhil and I'll get you in that. Okay, so awesome. All the best. And I can't thank him enough. Like I really feel I should have done this earlier. Mera 2-3 din, but anyway, the bright side is I got to chill for a while because I've not actually done that in Kolkata, and it is a beautiful city. And I seriously hamesha travel karta rehta hu, bhagta rehta hu, but actually mujhe I got a lot of time to breathe. So everything happens for the best, I feel, everything in life. And I'm actually, by the way, I met this guy, like I spoken to this guy long time ago. Yeah, I'm from Mumbai na. Yeah. This guy for such a long time aur hum mil pehli baar rahe Kolkata mein. And Wednesday ko mera part aa raha hai, finally mujhe mil gaya group ke through, and I should be back on the way. So thanks Arun Nava once again. Thank you so much. And I am going to see you in Bombay. Yeah. Cool. Cheers. Oil sum tootne ke baad I ended up breaking my favorite watch as well. Such situations take a toll, more emotionally than physically. But in such times, there are content creators like the Yes Theory channel that I watch to keep my spirits high. I haven't come here
to not finish this. If you haven't watched their movie Project Iceman, I highly recommend you check it out. And another way to keep the spirits up is to keep the spirits going in, if you know what I mean. A great way to do that is to meet friends at local annual events like this one. And good morning guys, another beautiful day in Kolkata. Kal Arunava ke sath bahut chill kiya, went out, had some dinner. Basically spending my time in Kolkata doing random things. Abhi yahan pe plan to nahi tha rehne ka itna lamba, but filhal coffee time, the place where I usually always have coffee, which is Coding Coffees. And I've got amazing news. It's taken me 2 days of finding the goddamn part and I finally got it. And it's coming to me direct from Baroda, obviously, jaise kal Arunava ne bola. And actually, mujhe kal aane wala tha Wednesday ko, but aaj aa raha hai. I'm very, very happy. It's already 3 o'clock though, so it might be reaching the showroom anytime soon. And yeah, so now I have much clarity. Abhi ho jaake fitting wo kara denge, start kar denge fitting, and I think I should be good to go in, say, I think tomorrow or day after I should be good to go, and which was the plan initially. So I can move on to my next destination, which is Puri. So main Kolkata mein kya, I was in Kolkata for like say about 5 days I think, and yeah, it's been a while. I loved Kolkata, great vibe, great city, and love the food here, love the people here, and yes, abhi plan aisa hai ki hum jayenge Puri, Orissa mein, and maybe I'll stop in Bhubaneswar first, I don't know. Bhubaneswar mein Konark khali hai, which I plan to visit, so I think main Bhubaneswar pehle karunga, uske baad Puri karunga. Let's see how that goes. A lot of you on Instagram ask me ki, you know, how it is traveling, wo jo akela jo travel karte ho, feeling kaisa, is it fun, is it liberating, what is it like? एक रोड पे एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, इतना बड़ा बाइक चलाने यू नो के बाद आप अकेले चला रहे हो इतना बड़ा बाइक लेके, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस लाइक? सो लेट वेयर डू आई स्टार्ट? आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बाइक मेरा हार्ली डेविडसन फैट बॉय है, इट इज़ नॉट वन ऑफ द लाइटेस्ट बाइक्स आउट देयर. 360 केजीज़ का बाइक है, उसके ऊपर से 20-25 किलो का मेरा लगेज होता है, एंड ऊपर से मैं होता हूँ उसके ऊपर, मैं अराउंड 68-70 केजीज का हूँ. क्वाइट अ मॉन्स्टर, क्वाइट अ हाथी टू हैंडल. जो रेगुलर हार्लीज होते हैं उसमें पतले टायर होते हैं, इसमें क्या है कि मोटा टायर होता है. सो इट इज़ जितना मोटा टायर है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मनूवर और हैंडल करने के लिए गाड़ी. सो दैट बिकम्स अ वेरी बिग चैलेंज, स्पेशली अगर रोड फ्लैट नहीं है. ये जो ट्रिप था मेरा वॉज मोस्टली लाइक नॉर्थ साइड में और हिली एरियाज में, काफ़ी सारे इंक्लाइन डिक्लाइंस, हेयर पिन बैंड्स बहुत सारे थे, आपने वीडियोज़ में देखा होगा. सो इट बिकम्स अ ह्यूज टास्क टू मैनेज दैट. जो रेगुलर जो पार्ट्स है वो सेफ्टी का तो इशू होता ही है. इफ़ यू नॉट गुड एट राइडिंग, इफ़ यू आर नॉट स्किल्ड इनफ, आई वुड नॉट नेवर रिकमेंड यू टू टेक अ बाइक लाइक अ फैट बॉय टू सच अ प्लेस. इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल, एंड मैंने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है. द बाइक इज़ लाइक 2-2.5 ईयर्स ओल्ड, मैंने काफ़ी बाइक को चलाया है, द बाइक इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ मी नाउ. एंड ऐसे होने के बाद भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लाइक कैलिमपोंग में जैसा हुआ हो जाते हैं. सो बट यू हैव टू बी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड, यू हैव टू नो योर बाइक वेल टू टेक इट टू सच अ प्लेस. जो आपके रेगुलर पार्ट्स है वो नॉर्मल बाइक में शायद वो अगर 4 दिन चले या 5 दिन चले, मेरे बाइक में 1 दिन चलता है. द रीज़न बींग इट्स अ मोर हैवियर बाइक एंड वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है बाइक में. तो मेरे टायर्स जो है अभी ऑलमोस्ट खत्म हो गए, आई एम इन कोलकाता एंड ऑलमोस्ट खत्म हो गए, एंड नाउ आई हैव टू बाय न्यू टायर्स. मैंने टायर्स अभी लिए थे, मुझे वापस लेने पड़ेंगे. ब्रेक पैड्स मैंने ऑलरेडी खरीद लिए. जो रेगुलर बाइक्स में होता है इज मच ईजियर टू फिक्स, ट्रांसपोर्ट करना, ये करना, वो करना काफ़ी ईजी होता है, मेरे में नहीं होता है. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. ऐसे सिचुएशन में इफ़ यू आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू डील विद समथिंग लाइक दैट, इट कैन अफेक्ट यू इन अ बैड वे. द सिचुएशन कैन गो रियली बैड, यू नो, इट कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली. सो यू कैन मेक अ बैड डिसीजन या कुछ और हो सकता है, यू नेवर नो. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ काम माइंड, हैव टू रियली बी ग्राउंडेड एंड रियली हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड योर बाइक. सो वैसा सिचुएशन बाइक का होता है. नाउ व्हेन यू आर राइडिंग ऑन दैट बाइक, इट्स ऑब्वियसली मतलब वो जो रोड का जो एक्सपीरियंस होता है, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल. सी द थिंग इज दैट मेरे बाइक पे मैंने ऐसे मॉडिफिकेशन किए हैं जो एस्थेटिकली अच्छा है, बट राइडिंग वाइज इट्स नॉट द मोस्ट. सो फॉर एग्जाम्पल मेरे जो हैंडल बार है, जो स्टॉक हैंडल बार है, बीच बार जिसे बोलते हैं, दे वेरी कंफर्टेबल एंड हेल्प्स यू लाइक मनूवर द बाइक ईजिली. मेरा बाइक पे लगा है स्ट्रीट स्लैमर हैंडल बार. नाउ दैट इट लुक्स गुड, बट इट मेक्स अ फ्रंट वेरी वेरी लाइट, तो ब्रेकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होता है. प्लस मैंने जो मेरे जो गाड़ी के मिरर्स हैं, नाउ द वन मोर थिंग इज दैट पीपल आस्क मी इफ आई कैन सी थ्रू दैट मिरर्स, ऑफ कोर्स नॉट. दैट मिरर को जो मैंने इन्वर्ट किया हुआ है, इट एक्चुअली डज नॉट हेल्प इन सीइंग एट ऑल. आपको पीछे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं देखता. मुझे इनफैक्ट देखने के लिए मुझे ऐसे बेंड करना पड़ता है, माय राइडिंग पोजीशन इज ऐसे, मुझे ऐसे करना पड़ता है या ऐसे जाना पड़ता है पीछे देखने के लिए.
वो भी राइट साइड के मिरर, माय लेफ्ट साइड का मिरर आई कांट सी एनीथिंग, इट्स कंप्लीटली यूजलेस. दीज आर थिंग्स आई हैव डन एस्थेटिकली टू मेक द बाइक लुक गुड और व्हाटएवर. आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू दैट, इट्स योर पर्सनल चॉइस, आपको जो करना है आपको, इफ यू वांट द बाइक टू लुक गुड और इफ यू वांटेड टू बी मोर फंक्शनल. बट मेरे हिसाब से आई वांटेड द बाइक टू लुक गुड. फॉर मी लाइक आई सेड इन आई से इन एवरी वीडियो, फॉर मी दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द बाइक लुक्स, हाउ इट हैज टू लुक रियली रियली नाइस इन माई आईज एट लीस्ट. इट गेट्स फटीग होता है व्हेन यू आर राइडिंग फॉर सो लॉन्ग. पोस्चर जो बाइक का है, जो मेरा है, इट्स नॉट बैड, इट्स अ वेरी गुड पोस्चर. सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, बट लाइक आई सेड बिकॉज ऑफ द फैट टायर्स इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मनूवर. सो बहुत प्रैक्टिस के बाद मुझे मैं सिचुएशन पे हूँ वेर आई कैन कॉन्फिडेंटली टेक द बाइक वेर एवर आई वॉन्ट टू टेक इट. आई हैव टेकन द बाइक टू प्लेसेज इन दिस ट्रिप दैट आई कैन नॉट इमेजिन इन माई लाइफ. आई हैव टेकन इट इन अ एक्सट्रीम हिली रीजन, मैंने ऑलमोस्ट स्नो वाले रीजन में लेके गया, फॉरेस्ट में लेके गया जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ मेरा. I have taken it to places like I had no idea I could, like, you know, so feels good. मैंने काफ़ी कुछ ये बाइक पे किया जो काफ़ी लोग नहीं कर सकते हैं. Not bragging about it, I really wanted to take the extra step, go the extra mile and explore my country, and I didn't want my bike or anything else to stop me from doing it, and I think that's what it is, and I absolutely enjoyed it, whether it's Bomdila in Arunachal or whether it's Gangtok or Indochina border जो था Nathula Pass, or whether it's Nepal. Or it was just amazing. The experience was fantastic. And as I'm closing the trip now, अभी धीरे धीरे मेरा ट्रिप खत्म होने वाला है. I just like to say that, you know, if you have something in your mind, अगर आपको एक ड्रीम अचीव करना है, आपने कुछ प्लान किया, डोंट वेट फॉर टुमारो. ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कल के लिए मत रुकना, डू इट टुडे, प्लान इट एंड डू इट टुडे. डोंट इवन प्लान इट, जस्ट यू नो जस्ट गेट आउट. अपना दुनिया जो है बहुत सुंदर है, एंड यू गेट वन लाइफ, योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड ऑन अर्थ. डोंट थिंक टू मच, get on your bike or get on a flight or do whatever, however you want to travel, whether it's a bicycle or a rickshaw or a cab or whatever, and do what I'm doing, you know, live your life, that's how it is. X40 part aa gaya na, ye hamara part hai yaar. क्या मेटल का बना रहा था भैया? एल्युमिनियम. तो इसको वेल्डिंग तो करा नहीं सकते ना? थोड़ा बहुत ना, हाँ ज़्यादा नहीं कर सकता. मेरा तो ज़्यादा ही हो गया था वो. गैसकेट बढ़िया है भाई, सही है. टायर का सीन आपको बोला था, ये देखो बैठ गया टायर. एक्चुअली देर इज नॉट अ पंचर, देर इज अ स्लाइट लीकेज, इधर से लीकेज होता है गाड़ी का, एंड बहुत ज़्यादा लंबा रखेंगे तो निकल जाता है हवा, वैसा सीन है. सो बट एक बार चेक कर लो क्या पंचर का, करा लेता हूँ एक बार चेक. अरे इसका लगा के कंप्लीट करने के बाद जब अंदर पानी डालते हो तो वैसे करेंगे, वैसा उस्मान जी बोले हैं वैसा करते हैं. और चलो ठीक है, वील कैट द बाइक रेडी एंड यू सी हाउ इट्स डन. सब ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स बाय द वे. और विकास हमारे ग्रुप में है, उसके पास हमें देखता रहेगा, हंसता रहेगा कि हाँ मेरे पास भी है सेम बाइक है. बट आई मेट द ओनर हियर, वेरी हैप्पी प्राउड ओनर, स्माइलिंग बीमिंग विद जॉय. सो ही इज, प्लीज इंट्रोड्यूस. आई एम अविक. सो आई जस्ट रिसेंटली बॉट दिस बाइक इन कलकत्ता ओनली, एंड सो आई सॉ दिस मोटरसाइकिल फर्स्ट इन न्यू ऑर्लियंस शोरूम इन दैट्स इन यूएसए. And the first look I got, it was amazing. So I thought, okay, I need to come back to India and order it as soon as possible. I'm gonna see you on the ride, bro. Yeah. So, nice to meet you. So how's it going, Sid? Are you enjoying it? Very, very hectic. Very, very difficult job. क्योंकि ground clearance कम है तो अगर potholes या मतलब कोई unnecessary कोई object आ गया तो होता है. होता है. एंड इसका सोल्यूशन आपने क्या बताया? सोल्यूशन एक है, नीचे अंडर बेली एक ये रहता है, गार्ड आता है, गार्ड आता है एक हार्ड मेटल का. ठीक है, कैन यू इन शॉर्ट टेल अस द प्रोसेस? दो ऑयल आपको निकालना पड़ेगा पहले, इंजन ऑयल एंड गियर ऑयल. उसके बाद नीचे से ऑलमोस्ट 8 से 12 बोल्ट्स है वो निकलेगा, तो सब निकल जाएगा. इसका ईजी प्रोसेस है, नॉर्मली बिग ट्विन की तरह का नहीं है. बिग ट्विन में पूरा इंजन चेंज करना. क्या बात कर रहे हो? तो ये पार्ट बाय पार्ट है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं आता, मैक्सिमम सब कुछ मिला के इनवॉइस अमाउंट 20,000 के अंदर हो जाता है. सम तो मैक्सिमम आपका 12,000 करीब बनाएगा. हाँ, गैसकेट करीबन कितना, 1,500 करीब. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. लेबर वगैरह कंज्यूमर जो लगता है मैक्सिमम आपका 20,000 के अंदर हो जाता है. नॉट बैड.
राजू एंड रानी हॉब के जो पुतले हैं मुझे कंपनी दे रहे हैं जब मैं चाय पी रहा हूँ. सो आई विल बी वेटिंग टिल द बाइक गेट्स डन. बाइक को यहाँ छोड़ने वाला हूँ नहीं मैं. जिगर का टुकड़ा है भाई हमारा बाइक. एंड होपफुली इन अ कपल ऑफ आवर्स इट शुड बी डन. होपफुली बिफोर लंच 2 बजे के पहले हो जाना चाहिए. एंड 11 o'clock नाउ बट आई एम होपिंग इट्स नॉट अ स्लो एज व्हाट आई हैव हर्ड इट्स लाइक. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. या आई विल वेट एंड वॉच. काफ़ी लंबा टाइम हो गया है एंड आई एम स्टिल वेटिंग. 15 मिनट हो चुका है एंड स्टिल वेटिंग. खतरनाक लगा ना तो ये गया ना एक. दिस इज गॉन. कभी कभी यूज करते हैं ना मगर कभी कभी नहीं. हाँ तो करना पड़ता है जबरदस्ती. अदरवाइज ऐसा एडवाइजेबल नहीं है. मतलब नया डालेगा तो बेटर है ना. दिस इज बेसिकली द लाइनिंग जो बेसिकली उसको जो गैप्स है उसका वो पॉइंट होता है. All done, all good, sir. After a long struggle. Yeah. So, 5 days के बाद finally bike ready हो गया and bike देने के पहले puncture भी था वो भी करके दे दिया सब हो गया and yeah hopefully I'll see you soon. एकदम. Thank you my friend. Have a safe journey. Thank you so much. Yes and I will see you hopefully very soon. Okay. Take care. जी what's up? Nice way. आ गया bike bye. Are you happy? Yeah very happy. I'm more happy than me. No. I made my way back to the hotel where my friend was more than happy to see me happy. But not for long. Things were going to go bad all over again. Picture abhi baki hai mere.